हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के डिमांड पर मैं डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करा रही हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश वर्ग टू परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश यूपी टी जी डी पी जी टी यू पी एल टी ग्रेड एंड बी पी एस सी टी आर ई फोर, सभी के अभ्यर्थी जितने भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले मैंने सभी थ्योरी सेशन को कंप्लीट कराया हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराए हुए हैं मैंने। बीपीएससी टीआई टू में भी इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। ए न्यू सेशन का प्रैक्टिस सेट जो है 7 है। तो दोस्तों, जो भी कमियाँ होंगी उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सब मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका क्वेश्चन हम सबको नहीं आता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आचरण विज्ञान जो मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है, बिहेवियर साइंस एंड मेंटल प्रोसेस आर नोन एज। तो आप सबको पता है ये साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि मनोविज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और भी किस भाषा के यूनानी शब्द साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी भाषा की साइके और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या बातचीत, यानी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का संबंधी बातचीत। जैसे मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा कहा गया, फिर मन कहा गया, फिर चेतना कहा गया, फिर लास्ट में वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अगर इस समय क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। एंड ये भी क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को किसने क्या कहा, तो आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु प्लेटो डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा पेम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में, और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स। एंड मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल ने। जैसे कि मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान किसने कहा, निश्चित मनोविज्ञान, तो वाटसन ने। अब सबको पता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्यूलिक ने किया था, एंड मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं विलियम उंट, जिन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता हैं विलियम जेम्स, एंड खेल मनोविज्ञान के पिता हैं कोलमैन ग्रिफिथ, एंड शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं थॉर्नडाइक। व्यवहारवाद की बात करेगा, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, तो वाटसन। एंड कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया प्लेटो ने, और मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला प्रयोगशाला जो है विलियम उंट ने 1879 में जर्मनी के लीप्ज़िग शहर में स्थापित किया था। एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित किया गया था 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बाई बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन यानी शरीर की वसा को मापता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। यहाँ पे गोनियोमीटर फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, मैनोमीटर राइट एंड लेफ्ट हैंड की ग्रिप स्ट्रेंथ को मापता है, फ्लेक्सोमीटर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कि निम्न कथनों में से किससे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन स्पोर्ट्स मेडिसिन। कौन इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन की व्याख्या नहीं करता, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम किसका कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक
यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, क्या क्या परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रहा है, सभी हम चीज़ें स्पोर्ट्स मेडिसिन में अध्ययन करते हैं। घायल या फिर का उपचार और पुनर्वास यानी ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एथलीट्स, इस सब का हम अध्ययन करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में। किसी व्यक्ति को खिलाड़ी में रूपांतरित करना, किसी साधारण व्यक्ति उसको खिलाड़ी बनाना, ये भी ट्रांसफॉर्मिंग पर्सन इंटू स्पोर्ट्स पर्सन, ये सभी चीज़ें स्पोर्ट्स मेडिसिन में के अंतर्गत आता है। बट आपका डेवलपिंग स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं आता है। प्रौद्योगिकी और संरचना जो है ये किन्सियोलॉजी के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, CBSE द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ कब से दी जा रही हैं? ठीक है, तो सिंस वेन आर स्कॉलरशिप बेइंग गिवन टू स्कूल स्टूडेंट्स अंडर द चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूट बाई CBSE? दोस्तों यह 2005 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2005 से। यह पुरस्कार छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। ये छात्रवृत्तियाँ कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को CBSE द्वारा अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली प्रशासन के द्वारा इसकी स्थापना 3 अगस्त 1987 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इजी क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, तो साइटोलॉजी, ठीक है, जीव के अध्ययन को बायोलॉजी और उत्तक को या टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड? तो आप सबको पता है चैल भारत में है। सबसे ऊंचा की बात कहाँ है? चैल भारत। सबसे बड़ा कहेगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम गुजरात है वो है सबसे बड़ा अब। और सबसे ऊंचा की बात करेगा तो चैल भारत है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चैल भारत यह समुद्र स्तर से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मैदान वर्ष 1893 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। कौन? चैल भारत, जो क्रिकेट स्टेडियम है वह बनाया गया था। वर्तमान में यह मैदान चैल मिलिट्री स्कूल और भारत सरकार के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो यहाँ पे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में देखने में दिक्कत होती है। आपको पता है कि विटामिन ए को हम इसका विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए जो है कैरोटीन पिगमेंट से निर्माण होता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है और वृद्धि कारक विटामिन यानी कि ग्रोथ विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस जैसे रोग हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आँखों में दो सेल होती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल जो रोडोसिन लेयर होता है वह जब खराब हो जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। रोड सेल क्या करता है, अंधेरे में देखने में सहायता करता है, यानी कि अंधेरे या उजाले में फर्क बताता है। तो ये रात को एक्टिव रहता है जो होता है रोड सेल। और जब रोड सेल खराब हो जाता है तो रात में दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। दूसरा सेल होता है आँखों में कोन सेल, जो कलर को बताता है, यानी यह प्रकाश में एक्टिव होता है, दिन में एक्टिव होता है। तो जो वर्णता होता है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें लाल हरा रंग देखने में ग्रसित दिक्कत होती है जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी जब कोन सेल खराब हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि जब उल्लू होती है रात दिन में नहीं देख पाती है, रात में देखती है, तो उसमें कोन सेल आपका नहीं होता है, इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखना कौन सी प्रक्रिया है, लर्निंग इज विच प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कई जगह अलग अलग दिया है, एक जगह दिया है व्यवहारिक प्रक्रिया है, एक जगह दिया है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे कि जो आपका सीखना है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, तो एक प्रकार का व्यवहारिक है, सीखना व्यवहार से जुड़ जाता है, तो व्यवहारिक प्रक्रिया है। आप कौन सा ज़्यादा अच्छा मानेंगे दोस्तों, कहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, व्यवहारिक ही होगा, आप सभी भी कमेंट में बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है, विच आसना इज डन एट द एंड ऑफ ऑल योगासना। तो आप सबको पता है यह शवासन होता है, जो हमारे शरीर को जो है रिलैक्सेशन मोड में ले जाता है, एंड शवासन जो है वो शांत अवस्था में ले जाता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोना किस खेल से संबंधित है, लोना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। आप सबको पता है कबड्डी से संबंधित है, बट दिया कब जाता है, जो लूना होता है, तो लूना कबड्डी से संबंधित है, जब एक टीम के खिलाड़ी अपोजिट टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं तो अपोजिट टीम को 2 अंक का लोना दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहनी व घुटनों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन एल्बो एंड नी ज्वाइंट। तो दोस्तों कोहनी या घुटने जो एक तरफ ही घूमता है, जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, यानी यूनिएक्सियल ज्वाइंट है, एक अक्ष में गति होती है, तो ये हम इसको झिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि आदि नामों से जानते हैं, हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि, कोर संधि आदि नामों से जानते हैं। इसमें एक तल में गति होता है एक ही दिशा में, जैसे कि नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ आदि आता है। तो यहाँ पे जो आपका घुटने किस प्रकार की ज्वाइंट आ जाएगा, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट, तो कब्जा संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। और इसमें स्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकती है, फिसलती है, जैसे कारपासन टार्सस ज्वाइंट, नॉन एक्सियल ज्वाइंट, एंड आपका जो कलाई होता है, रिस्ट ज्वाइंट, जो कॉर्डिलेट ज्वाइंट होते हैं, दोनों तल में गति होती है, कॉर्डिलेट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। एंड जो हमारा गर्दन होता है, जिसमें रोटेशन मोमेंट्स होता है, वो पिवट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। एंड जो हमारा अंगूठा होता है, जो किसी भी दिशा तल में गति हो जाता है, जिसे सैडल ज्वाइंट कहते हैं, परस्पर आदान प्रदान करने वाली गति। और जो चारों दिशाओं में गति करती है, हमारा हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट, ये दोनों जो है बॉल एंड स्वाकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं, जो मल्टी एक्सियल ज्वाइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है, पर्सनल हाइजीन हेल्प्स इन। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, ये हमारे आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, विच एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक हीमोग्लोबिन। तो आप सबको पता है आयरन, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन, यानी हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो ऑक्सीजन जो RBC में पाया जाता है, और इसी के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बांध करके अपने हमारे बॉडी में प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml जो है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है। तो 15 ग्राम कम से कम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 20 ml ऑक्सीजन को बात कर ले जाता है। तो ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां पे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के द्वारा, वायवीय शोषण के द्वारा हमारे जो ग्लूकोज है खाए हुए हैं, हम ऊर्जा बना है, वो हमारे ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ATP का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आपका आयरन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। दोस्तों जो हमारा बॉडी किसी जगह पर सूखे स्थान पर या मैदान में गिर जाने पर जो हमारा
रगड़ खा जाता है या छिल जाता है, इसको हम एवरेजन या स्ट्रॉबेरी टफ बर्न आदि नामों से जानते हैं। इसको रगड़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, CTS का क्या अर्थ है? दोस्तों हमारे जो ओलंपिक मोटो है CTS, RTS, FORTS एंड नया शब्द जुड़ा है कम्यूनेटर, तो अब इसको कहा जाता है CTS, RTS, FORTS कम्यूनेटर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी कि और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। यहाँ पे CTS का अर्थ हो जाएगा और तेज दौड़ना, रन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कानों की क्रियाविधि कौन सी है? विच द फंक्शन ऑफ ईयर्स? दोस्तों कान सुनने में और संतुलन स्थापित करने में दोनों में काम आता है, तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कानों में इंडोलिम्फ नाम का द्रव होता है वो बॉडी को संतुलन बनाने में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी बॉडी? आप सबको पता है दोस्तों यह 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, यहाँ पे 4 दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं? व्हाट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस? दोस्तों मेन फैक्टर होता है ये जो आपका ऑप्शन है, सारी क्रिया एवं दक्षता यानी फिजिकल एक्टिविटीज एंड एफिशिएंसी, ये भी आपको फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है। सारी को मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी प्रभावित करता है। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग भी प्रभावित करता है। और वंशानुक्रम, वातावरण यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है। बट सबसे प्रमुख रूप से कौन प्रभावित करता है? आपका अनुवांशिकी एंड वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो आप जानते हैं मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। यहाँ पे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन है और भारी अस्थि कौन है? तो वो है हमारा जांघ की फीमर हड्डी, ठीक है, उर्वास्थि यानी फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड सबसे छोटी हमारे कान की स्टेपीडिया, सबसे मजबूत हमारे निचले जबड़े की मस जो है मैंडिबल हड्डी, और उसी पर चढ़ा हुआ मसेटर मसल्स भी हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स होती है, याद रखिएगा। और अपर लिम में हमारे सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है हमारा ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है? यो दोस्तों स्किनर जो है वो मोटिवेशन को मेन मानते थे, इन्होंने क्रिया पशु सिद्धांत दिया हुआ है, तो इनकी परिभाषा है सीखने से संबंधित कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो आप सबको पता है हु स्टार्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो इसके पिता माने जाते हैं बैरन पियर डी कुबर्टिन। 6 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में शुरू हुआ। इन्होंने ही 1894 में 23 जून 1894 को IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना पेरिस के सर्वोन नामक स्थान पर किया, और IOC का जो मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संस्थान की चार दीवारों के अंदर आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहते हैं? जब ए कॉम्पिटिशन हेल्ड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ ए इंस्टीट्यूशन, तो दोस्तों संस्थान की चार दीवारी के अंदर, संस्थान के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसे हम इंट्रामुरल कहते हैं, और एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसे हम एक्स्ट्रामुरल कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं? विच न्यूट्रिशंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज? दोस्तों जैसे कि कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले में है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा,
एंड शरीर का निर्माण करने वाले, टूट फूटे अंगों को विकास करने वाले, घावों को भरने वाले होते हैं प्रोटीन, एंड शरीर की रक्षा करने वाले होते हैं हमारे विटामिन्स एंड खनिज लवण, यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स सबका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? दोस्तों आप सबको पता है 28-15 यानी 28×15 मीटर होता है बास्केटबॉल कोर्ट की माप। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा कप कंपटीशन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो दोस्तों लेडी रतन टाटा हॉकी की संबंधित है, किससे है? हॉकी खेल से संबंधित है। जो यह राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप है, जो राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप रंगा स्वामी कप, ठीक है, तो हॉकी खेल में राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप कौन है? लेडी रतन टाटा कप, और राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप है रंगा स्वामी कप, याद रखिएगा। महिला में लेडी रतन टाटा और पुरुष चैंपियन में रंगा स्वामी कप। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी खपत होती है? दोस्तों जो भी इसमें ऑप्शन दिया है, दौड़ना, सामान्य कसरत लगातार, लॉन टेनिस खेलना, तैराकी, मध्यचाल से, तो इसमें सबसे ज्यादा दौड़ने में सबसे ज्यादा कैलोरी खपत होती है। तो दौड़ना, रनिंग जिस दोस्तों बेस्ट एक्सरसाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन? दोस्तों अंडे है, मांस है, दूध है, बट तेल नहीं है, क्योंकि तेल जो है वसा का स्रोत है, प्रोटीन का नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है? द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स व्हाइल ब्रीदिंग। तो दोस्तों श्वास लेते समय क्या होता है, यानी कि इंस्पायरेशन, इनहेलेशन करते समय, जैसे कि श्वास स्वच्छवात है, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन जब करते हैं तो जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल, जो पसलियाँ होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल से जुड़ी होती हैं और नीचे डायफ्राम से जुड़ा रहता है, जब इंटरकॉस्टल मसल्स जो है सिकुड़ती हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिससे हमारा फेफड़ों का आयतन जो है बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाने से फेफड़ों के अंदर जो वायु दाब होती है वो घट जाता है, और वायु और गैसें जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की बहती है। तो जब फेफड़ों के अंदर जो हवा का दबाव घट जाता है, जिससे बाहर वायुमंडल में हवा का दबाव उच्च रहता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा आने लगती है, यानी कि बाहर से हवा जो है फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है, और हवा तब तक फेफड़ों में प्रवेश करती रहेगी जब तक कि बाहर व अंदर की वायु दाब बराबर न हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे फेफड़ों के अंदर का दबाव जो है वो क्या करेगा, घटता है, ठीक है। और जब श्वास लेते समय फेफड़ों के अंदर के दबाव घटता है, यानी फेफड़े जो है फूलते हैं, अंदर का आयतन बढ़ता है, दबाव घटता है श्वास लेते समय, और श्वास छोड़ते समय क्या होता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है और डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिससे हमारे फेफड़ों का आयतन घट जाता है, कम हो जाता है, और वायु दाब जो है ज़्यादा हो जाती है, और जिससे भीतर की हवा जो है बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो श्वास लेते समय फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है और आयतन बढ़ता है, और श्वास छोड़ते समय फेफड़े के अंदर का जो हवा का दबाव है वो बढ़ता है और आयतन घटता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, खेल समाजशास्त्र का संबंध है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी रिलेटेड टू? तो दोस्तों खेल समाजशास्त्र में क्या होता है, समाज, समूह, इस सब का अध्ययन किया जाता है। तो समूह के आपसी तालमेल से यहाँ पे ग्रुप इंटरेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से स्पोर्ट्स का मूलभूत पुरस्कार क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो दोस्तों इसका मुख्य चीज है, जब आपको पुरस्कार अच्छा तभी होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है अपना आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ स्टीम, यहाँ पे सेल्फ स्टीम आपका राइट आंसर होगा, सेल्फ स्टीम आपका राइट आंसर होगा। यही कारण है कि खेल के नियमों और संहिताओं का पालन न करने पर, उदाहरण के लिए डोपिंग परीक्षण में दोषी पाए जाने पर, जहां एक तरफ खिलाड़ी को प्रतियोगिता से वंचित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी व्यक्तिगत छवि और आत्म प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जीत के ही आए, बट आपका आत्म प्रतिष्ठा के लिए इंसान खेलता है, और उसमें आप डोपिंग का या गलत चीज़ों का प्रयोग करके, ड्रग्स लेकर के एंड बहुत प्रकार के स्टिमुलेंट्स लेकर के आप करेंगे, तो उसमें आपका सेल्फ स्टीम डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वास्थ्य वेलनेस का महत्व है, द इम्पोर्टेंट ऑफ वेलनेस इज?
तो दोस्तों स्वास्थ्य वर्ल्ड ने जो सारी पुष्टि है ये एक अच्छे जीवन यापन में सहायक होता है। वास्तव में खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक पुष्टि यानी स्वास्थ्य वर्ल्ड हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए अति आवश्यक है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति का रक्तदाब समानता कम होता है और प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक पुष्टि चाहता है, और क्योंकि शारीरिक पुष्टि यानी कि वेलनेस के कारण ही व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को सरलता से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों जो फेफड़े होते हैं यहाँ पे मुख्य गुहा से आते हुए ये हमारा श्वास नली ट्रेकिया होती है, और ट्रेकिया जो यहाँ पे दो फेफड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे दो फेफड़े हैं, तो ट्रेकिया यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम ब्रांची कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांची, ठीक है, और यही ब्रांची तो यह दाएं फेफड़े में तीन भागों में और बाएं फेफड़े में दो भागों में, तो इसे हम ब्रांची यानी श्वसनी कहते हैं। यहाँ पे श्वसनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यही बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे धागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं श्वसनियाँ, ब्रांचियोलिस। ये जाकर के लास्ट में गुच्छेनुमा आकृति बना लेते हैं, जिसे हम एल्वियोलाइज कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कि दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड मॉप क्या होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ रनिंग ट्रैक? तो आप सबको पता है 400 मीटर ट्रैक होती है। तो दोस्तों समय मिलेगा तो मैं 400 मीटर ट्रैक एंड 200 मीटर ट्रैक दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगी कैसे मेजर किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 35 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा, कमेंट में जरूर बताइए, हम सब मिलकर उस क्वेश्चन का सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।